भारत के लोग इस बार अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। स्वतंत्रता, जिसका उर्दू में अर्थ है आज़ादी। आज़ादी उन्हीं को मिलती है जो कभी गुलाम रहे होते हैं। भारत कभी 200 सालों तक अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम रहा, और जब उसे आज़ादी मिली तो उस आज़ादी की एक बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह कीमत घर द्वार, रुपये पैसे, नौकरी व्यापार के साथ साथ कुछ लोगों ने अपने खून से भी चुकाई। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद बिना बंटवारे का जिक्र किए अधूरी है। 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे इन मुल्कों की आज़ादी में। 6 करोड़ परिवारों ने इधर से उधर और उधर से इधर पलायन किया, और न जाने कितनी ही बहनों बेटियों ने अपनी अस्मिता लुटाई इस आज़ादी के नाम पर। आज 75 साल बाद भी उस खौफनाक मंजर का जिक्र भर हो तो रूह कांप उठती है और आगे की लाइन कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन वरिष्ठ लेखक, फिल्म मेकर और भारत के सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साहब ने इस त्रासदी को सिर्फ सुना या पढ़ा ही नहीं, झेला भी है। आगामी 18 अगस्त को गुलजार साहब अपना 87वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, और उनके 65 साल के महान कैरियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में गीत और संवाद लिखे हैं, 1.5 दर्जन फिल्में बनाई और 10 किताबें लिखी हैं। पर नॉवल के खाते में उनके पास सिर्फ एक उपन्यास है, दो लोग। दो लोग की कहानी दो नहीं बल्कि एक से लोगों की ही पंजाब प्रांत के कैम्बेलपुर के कस्बे से शुरू होती है, जो अब अटक के नाम से नॉर्थ पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे अंग्रेजों ने बसाया था और ब्रिटेन की तरह ही कैम्बेल नाम रखकर बड़े खुश हुए थे, पर पंजाबियों ने इसका नाम कैम्बेलपुर कर दिया था। किताब में एक कहानी है जिसमें 1946 का समय चल रहा है, और यहाँ कुछ लोग हैं जिनके कानों में रोज बंटवारे की खबरें बजती हैं और चुप हो जाती है। कुछ तो बेचारे इतने सीधे हैं कि यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दो मुल्क आखिर किस तरह बनने हैं, पाकिस्तान किस ओर खुलना है, और लोग यहाँ से हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान में ही तो हैं। ऐसी ही कहानी फौजी और लखबीरा नामक ट्रक वालों की है, जो पैसों की खातिर कुछ लोगों को बॉर्डर पार करवाने वाले हैं। एक कहानी कर्मवीर और फजलू नाम के स्कूल मास्टर की भी है, जो कभी अलग नहीं होना चाहते, और एक कहानी तिवारी और उसकी बहू की भी है, जो अपने पोते को रख अपनी बहू से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। इसमें छोटी सी कहानी उन दो बहनों सोनी और मोनी की भी है, जिसे पठानों ने कई दिनों तक एक उजड़े घर में बंद करके उनका रेप किया था, और उनमें से एक के पेट में उसी पठान का अंश पलने लगा था, जिस पेट को देख वो पीटने लगती थी और पागलों की तरह कहती थी कि मेरे अंदर मेरा दुश्मन पल रहा है, क्या करूँ, ये मरे या मैं मरूँ। इस हौलनाक कहानियों में गुलजार ने पहली बार किसी को सुकून से बैठने नहीं दिया है। यहाँ वहाँ रिफ्यूजियों की तरह भटकती कई कहानियाँ अंत में बिखर जाती है, और किताब का अंत कुछ यूं होता है जैसे किसी बच्चे की आखिरी पतंग सिरे से कट गई हो, एक लंबा खालीपन छोड़ जाता है। फिर भी मेरा मानना है कि ये किताब पढ़नी चाहिए, 1 नहीं 10 बार पढ़नी चाहिए। इस पर फिल्में बननी चाहिए, जिसे देश और विदेश में दिखाया जाना चाहिए, ताकि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों को ये सबक मिल सके कि आपस में बैर पालने का, कुर्सी के लिए राजनीति करने का और देश बांटने का फैसला कितनों के परिवार उजाड़ देता है। साथ ही इस देश के उन नौजवानों के लिए भी ये किताब बहुत ज़रूरी है, जो कहते हैं कि वह आज़ाद नहीं है, कि उनकी मर्जी नहीं चलती, या इससे तो अंग्रेज ही अच्छे थे। शायद गुलजार भी चाहते हैं कि इस किताब की पहुँच पूरी दुनिया तक हो, इसीलिए उन्होंने इस किताब को हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में लिखा है। किताब की शुरुआत में गुलजार साहब की लिखी दो लाइन है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। हाथों ने दामन छोड़ा नहीं, आंखों की सगाई टूटी नहीं, हम छोड़ तो आए अपना वतन, सरहद की कलाई छूटी नहीं। उम्मीद है कि ये किताब आप जरूर पढ़ेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट। आज़ादी के 75 साल की आप सभी को बधाई।